हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पटवारी से संबंधित जितनी भी आपकी शब्दावली हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी रिवीजन क्लासेज है, चार वीडियोस में डाल चुका हूँ पटवारी की। उसके बाद आपकी ये सेकंड रिवीजन क्लास है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में जो भी आपकी मेजरमेंट यूनिट है वो हमने सभी की सभी डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में जो भी आपकी शब्दावली है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी की सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने रिवीजन क्लासेज नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो शब्दावली है सबसे पहले हम बात करते हैं इंतकाल। हर एक को हम ट्रिक से समझेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो में सभी की सभी चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो आप रटेंगे चीजों को। तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आप नोट करना चाहें तो आराम से कर सकें। तो वीडियो में प्लीज आराम से सुनिएगा। तो पहली जो शब्दावली है वो है इंतकाल। तो इंतकाल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली, मकान किसी और का था, आपने उसका मकान अपने नाम करवा लिया, रजिस्ट्री करवा ली। आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई नाम रजिस्ट्री करवा ली तो मेरे नाम हो गया। लेकिन जब तक आप इंतकाल नहीं करवाएंगे उस चीज का, तो तब तक आपके पास वो फाइनल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? मलकियत की तब्दीली का आदेश, ठीक है, जो यानी कि सरकार के पास रिकॉर्ड होते हैं उसमें आपको चेंज करवाना होता है मलकियत में। यानी कि इसका पहले मालिक कोई और था, अब इसका मालिक कोई और है। तो इंतकाल का मतलब क्या होता है? मलकियत की तब्दीली यानी कि ट्रांसफर। दूसरा है सजरा। सजरे का मतलब क्या होता है? खेतों की जो सीमाएं होती हैं उसको दिखाने वाला नक्शा, ठीक है। इस तरह से नक्शा होता है, खेतों की ये सीमाएं दिखाता है। क्या दिखाता है? सीमाएं। ये खेत हो गया, इस पहले खेत की, दूसरे खेत की, तीसरे की, इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सजरा बोलते हैं, जो खेतों की सीमाएं दिखाता है। और इसी नक्शे को यदि हम कपड़े पर बना दें, इसी नक्शे को यदि हम कपड़े पर बना दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? सजरा, पार्चा, पर्ची। माने आप सभी को ये पता होगा पर्ची क्या होती है, कागज, ठीक है, एग्जाम में लेके जाते हैं ना पर्ची, नकल। तो यानी कि इस सीमा को यदि आप कपड़े पर बना दें, यानी कि जो भी आपका नक्शा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सजरा, पार्चा। अगला है सजरा नसब। तो सजरा नसब क्या होता है? तो सजरा जो नसब होता है, आप देखिए जो सजरा है, हमने क्या पढ़ा? खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। वो सजरा नसब क्या हो गया? भूमिदारों की वंशावली, ठीक है, जो भी भूमिदार हैं उनकी वंशावली दिखाएगा कि पहले कौन था, दादा, परदादा, ये सभी चीजें दिखाएगा, यानी कि वंशज दिखाएगा जो भी भूमिदार है, तो उसको क्या बोलेंगे? सजरा नसब, ठीक है। अगला है मुस्ततील। तो मुस्ततील का मतलब क्या होता है? मुस्ततील होता है 25 एकड़, ठीक है, 25 एकड़ को हम क्या बोलते हैं? मुस्ततील बोलते हैं। यदि हम इसको कैनाल में बदलें, आप सभी को पता है मेजरमेंट यूनिट में मैं करवा चुका हूं ट्रिक से, हाँ, कम से क्रम से, हाँ, कम से क्रम। अब देखिए हेक्टेयर है, ये आपका एकड़ है, एक एकड़ में कितने कैनाल? 8 कैनाल होते हैं। यदि इसको मैं 8 से गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 200 कैनाल। तो मुस्ततील का मतलब होता है 200 कैनाल या फिर 25 एकड़। आगे चलते हैं रोजना मच्चा वक्ति। रोजना मचना वक्ति क्या होती है? यानी कि रोजना से, यानी कि रोजना मचा, रोजना मचा यानी कि रोज रोज जो चीजें होती हैं उनकी डायरी। तो इस तीसरे याद रखेंगे, रोजना मचा वक्ति का मतलब क्या होता है? दैनिक घटनाओं की डायरी, जो भी दैनिक घटनाएं होती हैं उनकी एक डायरी बना ली जाती है, तो उस डायरी को हम क्या बोलते हैं? रोजना मचा वक्ति। जैसे आप बोलते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी, ठीक है, यानी कि जिंदगी में जो काम होते हैं डेली, तो इस तरह से याद रखेंगे रोजना मचा यानी कि दैनिक घटनाओं की डायरी। अगला है जरीब। जरीब क्या होती है? जंजीर होती है, जरीब, जंजीर, ठीक है। पटवारी क्या रखता है? आपका जो गिरदावर होता है, फिर पटवारी होता है जो निरीक्षण करता है, यदि उसको भूमि मापनी है तो वो अपने साथ क्या रखता है? एक जंजीर रखता है 10 क्रम लंबी, ठीक है, 10 क्रम जो लंबी है जंजीर रखता है मापने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जरीब। तो जरीब, जंजीर, लोहे की एक जंजीर होती है 10 क्रम लंबी। अब क्रम हम पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी इकाई, एक क्रम में आपके कितने फुट? 5.5 फुट। यदि हम इसको फुट में निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 5.5 यानी कि 55 फुट लंबी आपकी क्या होती है? एक ये लोहे की जंजीर होती है या फिर 10 क्रम लंबी। अगला है लाल किताब। तो लाल किताब का मतलब क्या होता है? गांव की भूमि का पूर्ण जानकारी, पूरी गांव में जितनी भी आपकी भूमि है उसकी पूर्ण जानकारी देती है कौन? लाल किताब। अब लाल किताब से आप रिलेट करोगे, जैसे आपके लाला जी होते हैं ना,
पहले आपने देखा होगा लाला जी लाल किताब रखते थे इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, अंदर सफेद पन्ने और उसका कवर बिल्कुल लाल। उस लाल किताब में क्या होता था, लाला जी का पूरा रिकॉर्ड होता था, ठीक है, लाला जी का क्या होता था, उसके जो भी उसके ग्राहक थे उसका पूरा रिकॉर्ड होता था। इसी तरह से लाल किताब में गांव की जितनी भी भूमि होती है उसका पूरा रिकॉर्ड क्या होता है, लाल किताब के अंतर्गत होता है। जो भी आपको देखना होता है तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। अगला चलते हैं आबादी दे। आबादी का मतलब जनसंख्या, आबादी देह का मतलब गांव का बसा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आबादी देह, यानी कि बसा हुआ क्षेत्र। अगला है मोजा। मोजा को हम बोलते हैं ग्राम यानी कि गांव, ठीक है, मोजा को हम क्या बोलते हैं, ग्राम। अगला है मोजा बेची राग। अब मोजा के आगे बेची राग लगा दिया यानी कि जो मोजा है वो बेच दिया, इस तरह से याद करेंगे, यानी कि बेच दिया, वो खाली कर दिया, अब उसमें कोई भी नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है, बिना आबादी का गांव, ठीक है। मोजे का मतलब ग्राम और मोजा बेची राग का मतलब मोजा बेच दिया यानी कि बेच दिया, खाली कर दिया, अब उसमें कोई भी नहीं रहता, तो बिना आबादी का गांव, ठीक है। और आबादी वाला गांव कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि बसा हुआ आबादी दे। अब है हद बस्त नंबर। आप सभी ने जमाबंदी देखी होगी, जो गांव में रहते हैं उनको तो जरूर पता होगा जमाबंदी होती है आपकी एक, उसमें हद बस्त नंबर होता है। जमाबंदी क्या होता है, जो भी मालिक होता है उसकी भूमि का पूरा रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं। और उस जमाबंदी में हद बस्त नंबर होता है, तो उस हद बस्त नंबर का मतलब क्या होता है, तहसील में गाँव का नंबर। हर एक तहसील में गाँव होते हैं तो हर एक गाँव को नंबर दे दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हद बस्त नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अगला है इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। लाल किताब आपने सभी ने देखा हो, जिसने हमने रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट कर रखी उसमें भी हमने लाल किताब का जिक्र किया था, आपके क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं पटवारी के पेपर में। अगला है खसरा गिरदावरी। अब खसरा गिरदावरी क्या होता है, खसरे की गिरदावरी। खसरा मतलब हर एक जमीन का छोटा छोटा भाग होता है, मान लीजिए जमीन है पूरी बड़ी बड़ी, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खसरा। और उस खसरे की गिरदावरी करना यानी कि उसका निरीक्षण करना उसको हम क्या बोलते हैं, खसरा गिरदावरी। यानी कि गिरदावरी कौन करेगा, गिरदावर करेगा। गिरदावरी कौन करेगा, गिरदावर करेगा। तो गिरदावरी होती है निरीक्षण बोलते हैं, जो हर 6 महीने में की जाती है, किसकी, खसरे की। ये समझिए क्या है, ये खातेवार मलकियत या फिर बोना व लगान का रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है जिसमें उसके मालिक, ठीक है, खातेवार मालिक, आप किसी ने बोया, फिर किसी ने बोया, अगले 6 महीने में कोई और बो रहा है, ठीक है, उसके बोने का और उसके लगान का रजिस्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खसरा गिरदावरी। क्लियर सबको, हर एक वर्ड से हम समझेंगे क्या होता है। अगला है गिरदावर। अब पटवारी जो भी काम करता है उसके काम का निरीक्षण करता है, कौन करता है, गिरदावर करता है। पटवारी के काम की गिरदावरी यानी कि निरीक्षण कौन करेगा, गिरदावर करेगा। और इसको हम कानून गो भी कहते हैं। पहले पटवारी होता है, पटवारी के ऊपर कानून गो होता है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है, ठीक है। हर एक के काम को निरीक्षण करने के लिए अलग अलग मेंबर होते हैं, तो पटवारी जो भी काम करेगा उसके काम को निरीक्षण कौन करेगा, गिरदावर, ठीक है। इसलिए हम गिरदावरी किसको कहते हैं, निरीक्षण को कहते हैं। अगला है श्यामलात भूमि। तो श्यामलात जो है सांझी भूमि को हम कहते हैं, सांझी। आप सभी ने देखा होगा घरों में भी सांझी भूमि के ऊपर बड़े लठ बाजे हुए, ठीक है। कैसे, एक मकान है, किसी का प्लाट ये है, किसी का प्लाट ये है, पहले ये मकान बन गया आधे प्लाट में, ठीक है, इतनी बाउंड्री कर दी यहां पर, इस पूरे प्लाट में से यहां पर दीवार बना के एक मकान बना दिया। जब इसकी बारी आई तो उन्होंने क्या किया, अलग से दीवार ना बनाकर इसी दीवार पर दूसरा मकान बना लिया, यानी कि वो क्या कर ली, उन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप कर ली, उसमें साझी कर ली, उसको क्या बोलते हैं, श्यामलात, ठीक है। जब बेचने का टाइम आएगा तो बड़े झगड़े होंगे साझी भूमि पर, ठीक है। तो श्यामलात क्या होता है, साझी भूमि होती है। अगला है बटाई। बटाई का मतलब क्या होता है, पैदावार का भाग। जितनी भी पैदावार हुई, ठीक है, उसका जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बटाई बोलते हैं। अगला है मोरूसी। मोरूसी क्या होता है, लगान देने वाला मुजारा। मुजारा क्या होता है, जो मालिक को लगान देता है, ठीक है, मालिक को क्या देता है, लगान,
ठीक है, जो भी लगान दिया उसको हम क्या बोलते हैं, मुजारा बोलते हैं। और मोरूसी क्या हो गया, लगान देने वाला जो आपका मुजारा होता है उसको मोरूसी बोलते हैं। अगला है बाया, बाया का मतलब बेच ने वाला, बाया बेच, बाया बेच, तो भूमि को जो बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाया। ठीक है, अगला है मुस्ततरी, मुस्ततरी क्या होता है, एक बेचने वाला यानी कि बाया एक खरीदने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुस्ततरी बोलेंगे। ठीक है, आप देखेंगे मुस्ततील होता है तो यहाँ पे मुस्ततरी है, मुस्ततील 25 एकड़ होता है और मुस्ततरी होता है जो भूमि खरीदने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुस्ततरी। अगला है तीमा, तीमा क्या होता है, खेत का बांटा गया भाग, जो एक खेत होता है उसका जो भाग बांट दिया किसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, तीमा बोलते हैं। ठीक है, बांटा गया भाग को हम क्या बोलते हैं, तीमा। अगला है चकोता, चकोता का मतलब होता है नगद लगान, जो भी लगान देता है नगद कैश में उसको हम बोलते हैं चकोता, नगद लगान को हम बोलते हैं चकोता। अगला है बे, एक आपका बाया था यानी कि भूमि बेचने वाला, और एक होता है भूमि बेच देना, उसको हम क्या बोलते हैं, बे, बाया बेच, बे बेच, इस तरह से याद रख सकते हैं, भूमि बेचने वाला बाया और बे होता है भूमि बेच देना। ठीक है, भूमि बे कर दी यानी कि भूमि बेच ली। अगला है खतौनी नंबर, खतौनी क्या होता है, काश्तकार का विवरण होता है, जो भी उस भूमि को काश्त करता है, जैसे जमाबंदी पर लिखा होता है खुद काश्त या कोई अन्य काश्तकार होगा, यानी जिसकी भी वो जमाबंदी है यदि वो खुद उस भूमि को बोता है तो उसका विवरण होगा, यदि कोई अन्य उसको काश्त करता है यानी कि बोता है तो उस सभी का विवरण यहां पर मिलेगा जमाबंदी में, और उसको एक खतौनी नंबर दिया जाता है, यानी कि जो भी काश्तकार होता है उसका विवरण मिलेगा और उस काश्तकार को जो भी नंबर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, खतौनी नंबर। और काश्तकार होता क्या है, जो भूमि को बोता है, मौके पर जो भूमि को बोता है उसको क्या कहते हैं, काश्तकार, यानी कि भूमि को काश्त करने वाला यानी कि काश्तकार। ठीक है, और इस काश्तकार को जो हम नंबर देंगे या फिर इसका जो विवरण होगा वो किस में होगा, खतौनी में। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी शब्दावली आपकी पटवारी से संबंधित, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।